please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर, विवेक गुप्ता मुंबई से दे रहे हैं। गुजरात के बाद आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का मुंबई में कार्यक्रम है। इसके लिए नेतन्याहू कल रात मुंबई पहुंच चुके हैं। सबसे पहले इजरायली प्रधानमंत्री देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ नाश्ता करेंगे, जिसके बाद नेतन्याहू मुंबई के नरीमन हाउस जाएंगे, जहां वो 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। यहां नेतन्याहू 11 साल के बेबी मोशे हॉजबर्ग से मुलाकात करेंगे। मोशे के माता पिता 26/11 के आतंकी हमले में मारे गए थे। नेतन्याहू दक्षिण मुंबई में भारत इजराइल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। इसके बाद फडणवीस और नेतन्याहू की अलग से भी एक बैठक होगी। नेतन्याहू मुंबई में रह रहे इजरायली समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। हिंदी सिनेमा जगत के कार्यक्रम में भी शरीक होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुंबई दौरे की वजह से ताज होटल और छाबड़ा हाउस के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, आज नेतन्याहू मुंबई में है, क्या खास कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या खास तैयारियां की गई हैं? जिसमें देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुंबई में आज हैं और पूरे दिन उनके मुंबई में तकरीबन 5 प्रोग्राम है। सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो मुंबई के ताज होटल में ही बिजनेस समिट है। उसके बाद वो 1:30 के आसपास 26/11 हमले में जो आतंकी निशाना बनाया था इजरायली समुदाय के बिल्डिंग छाबड़ हाउस को, वहां पर जाएंगे। वहां पर वो 26/11 हमले के सबसे छोटे पीड़ित मोशे से मिलेंगे और बताया जा रहा है कि एक मेमोरियल जो छाबड़ हाउस में बनाया गया है, जो 3rd और 4th फ्लोर पर है, जो आतंकी हमले में जो दीवालों में जो गोलियां लगी थी, जो छर्रे लगे थे, वो अभी भी वैसे ही हैं, उसको एक मेमोरियल बनाया गया है, उसका उद्घाटन बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे। उसके बाद शाम को एक बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो उनसे मुलाकात करेगी शाम को 5:30 के आसपास। वो भी ताज होटल में उनका पूरा प्रोग्राम है। तो पूरे दिन जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू का जो जितने भी इवेंट है वो ताज होटल और छाबड़ हाउस में है। उसके मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। छाबड़ हाउस के आसपास जितने भी आज छोटे छोटे घर है उन सब में पुलिस तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो ताज होटल है उसकी जो आसपास की सड़कें उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इन दोनों जगहों की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। जसप्रीत, विवेक, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने का फैसला लिया। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव रांची की एक अदालत में पेश हुए। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में नगर निकाय की 19 सीटों के लिए मतदान हुआ, जबकि वोटों की गिनती 20 जनवरी को होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार देश के हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, जिसका बजट में ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर लगे आरएसएस की मानहानि के आरोपों पर महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में सुनवाई 23 अप्रैल तक टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला दिए जाने के मामले पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। हरियाणा के रोहतक में हत्या के एक मामले में आरोपी रामपाल के समर्थकों के अदालत परिसर में जुटने की वजह से रामपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में हाथी के हमले में एक आदमी की मौत हो गई। बिहार में आरा के पास एक पैसेंजर ट्रेन और गाड़ी की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। यूपी के बागपत में एक ही परिवार के 6 बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया। यूपी सरकार ने सरकारी विभागों में ई टेंडर को और पारदर्शी बनाने के लिए फर्जी बोली लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही।